ये मतदान सिर्फ आज के लिए नहीं होता है, ये मतदान एसटी हसन के लिए या आपके लिए नहीं होता है, ये मतदान हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए होता है, हमारे बच्चों के लिए होता है। देश जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जहाँ पे आज संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, सरकारी एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं, आज उसको बचाने का दिन है, आज उसके लिए मतदान करने का दिन है। देश की सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है और देश की सांप्रदायिक शक्तियों को सिर्फ गठबंधन ही हरा सकता है। इसलिए हमारी सबसे अपील भी है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए गठबंधन को मजबूत करें। सर, आज देखा गया था आपके घर पे भी कुछ नोकझोंक हुई थी छोटी सी, क्या था मामला? छोटी सी नहीं, विशेष अधिकार हनन हुआ था मेरा। एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मेरे प्रीमिसेस के अंदर घुस आया। मेरा वहाँ घर भी है, मेरा ऑफिस भी है, मेरा अस्पताल भी है। ऑफिस के अंदर घुस के उसने कंप्यूटर में छेड़छाड़ करनी शुरू करी। जब उससे पूछा गया कि ये क्या कर रहा हो, किससे पूछ के कर रहा हो, किसकी परमिशन से कर रहा हो, तो उसने बदतमीजी करी मेरे स्टाफ के साथ। और जब स्टाफ ने मुझे बताया तो मैंने उसको यहाँ अपने चैम्बर में बुलाया। अपने चैम्बर में जब मैंने बुलाया तो उसने ये कहा कि आज हम किसी सांसद के बाप के नौकर नहीं है। जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, उसका वीडियो बनाने लगे तो वो खिसकना शुरू हो गया। इत्तेफाक से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने राउंड पर निकले हुए थे, वो आ गए, उन्होंने मामलात को रफा दफा करा। इसकी शिकायत मैंने बहुत हाई लेवल पे करी है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, डीएम मुरादाबाद, एसएसपी, डीजीपी, और विशेष अधिकार हनन की हमारी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके अध्यक्ष को भी करी है। सर, से अपडेट आया है इसको लेके, किसी ने संज्ञान लिया है? अभी दो घंटे पहले का ही वाकया है ये, संज्ञान तो लिया जाएगा ही। सर, लास्ट टाइम पे ही सर आप वोट देने आए, क्या कोई नाराजगी थी वजह की इतने देर से आप वोट देने के लिए निकले? नहीं, मैं किसी काम से बाहर था सर। आपके या अभी भी सर रुचिवीरा को लेकर नाराजगी मन में है सर? ये इलेक्शन रुचिवीरा का नहीं है, इलेक्शन देश का है, देश के संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, हमारा प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाने का इलेक्शन है। तो इसमें ना तो एसटी हसन कोई हैसियत रखते, ना रुचिवीरा इसमें कोई हैसियत रखते। आपके सर्किल के भी कुछ लोगों की ये एलिगेशन थे कि उनके वोट की पर्ची नहीं है। बहुत जगह शिकायतें मिल रही हैं कि पर्ची उनको नहीं मिल पाई है। ये हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी बहुत गलत हुई है कि पर्चियों को बनाने की इजाज़त भी लोगों को नहीं है, वरना लोग कंप्यूटर से निकाल के दे दें पर्ची। इसमें कौन सी बड़ी बात थी या इसमें कौन सा गुनाह हो रहा था?